हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हल्दी के बारे में। तो गाइस, अभी चल रहा है बारिश का मौसम और इस मौसम में आपके डॉग को हल्दी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे देना है और कितना देना है, और अगर डॉग नहीं खा रहा है तो आप लोग किस तरीके से उसे खिला सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी डॉग ओनर्स के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों को हल्दी को कैसे खिलाना है अपने डॉग को, क्योंकि डॉग्स करते क्या है कि ऐसी चीज़ें खाते ही नहीं हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो उसका फेवरेट फूड है, कोई सा भी हो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खाता हो, उसे पसंद हो, तो उसी में आप लोग मिला करके इसे दे सकते हैं। काफ़ी आसानी से आपका डॉग खा लेगा। और अब देना कितना है, ज़्यादा आप लोगों को नहीं देना है। आप लोग पहले दिन एक चुटकी बस दें, ज़्यादा नहीं, और जब डॉग खाने लगे रेगुलर आप लोग एक एक चुटकी दें और धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे कभी दूसरे दिन दो चुटकी, ऐसे धीरे धीरे आप लोग बढ़ा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखेंगे आपके डॉग में बेनिफिट दिखेगा ये हल्दी देने से। तो चलिए अब जानते हैं कि हल्दी देने से क्या आप लोगों के डॉग में बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है वो है इम्यूनिटी का, यानी कि अगर आप लोग हल्दी देते हैं तो आपके डॉग का इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा रहेगा। बारिश के मौसम में होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा नमी होता है, जिससे बैक्टीरिया वायरस काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप लोग हल्दी देते हैं तो आपका डॉग का इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा रहेगा और छोटी मोटी जो बीमारियां हैं आपके डॉग को नहीं होंगी। इसीलिए आप लोग अपने डॉग को महीने में 15 दिन आप लोग हल्दी दें। अगर रोज़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपके डॉग में नहीं होने वाला है। और बारिश के टाइम में तो आप लोगों को रोज़ देना ज़रूरी ही है, इसके पीछे भी रीज़न है। होता क्या है कि बारिश के टाइम में काफ़ी ज़्यादा नमी होता है, उसके कारण से आपके डॉग में जो स्किन प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे काफ़ी ज़्यादा इचिंग भी होगा आपके डॉग में और बहुत सी प्रॉब्लम होती है स्किन प्रॉब्लम, तो उसको दूर करने में भी हल्दी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसके लिए भी आप लोग इसका दूसरा बेनिफिट मान सकते हैं। तो पहला मैंने आप लोगों को बताया है इम्यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा हल्दी देने से, और दूसरा जैसा कि मैंने बताया कि स्किन पर कोई दिक्कत है जैसे रेडनेस वगैरह या फिर कोई भी दिक्कत है तो उसमें भी दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा है जो कि है डाइजेशन में। डाइजेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपके डॉग को डाइजेशन का कोई दिक्कत है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा पेट में अगर छोटे मोटे कीड़े हैं तो उन्हें मारने के लिए भी काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो ये हल्दी आप लोग देख सकते हैं, पहला मैंने बताया इम्यूनिटी में काम आएगा और दूसरा स्किन में कोई दिक्कत है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट होता है, और इसके अलावा डाइजेशन के लिए। तो एक हल्दी से आपका डॉग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। तो आप लोग देना स्टार्ट करें और बारिश में इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जो दिक्कतें मैंने बताई हैं। तो आप लोग ये ज़रूर करें और अपने डॉग को हल्दी दें, जिससे आपके डॉग को जो बेनिफिट है वो मिल सके। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।